Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं. और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस. स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं. सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट. तो भाई कांग्रेचुलेशंस, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके हैं. आज हम लोग देखेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो मैम, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा और क्वेश्चन तो हम लोग करने ही वाले हैं. चलिए भाई, शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है. चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करना. बट ये तो एमसीक्यूज है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन is used for treating indigestion caused by overeating. Okay, overeating करने से student क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ. देखिए, अगर कोई बंदा overeating कर रहा है, ज़्यादा खा रहा है, तो हम ही देखेंगे उसके stomach में excess acid बन जाएगा. क्या होगा, उसके stomach में excess acid बन जाएगा, और उस एक्सेस एसिड की वजह से उस बंदे को हो जाएगी एसिडिटी. क्या हो जाएगी स्टूडेंट, उसको हो जाएगी एसिडिटी. अब उस एसिडिटी से उसको क्या होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी. इट कॉजेज बर्निंग, बर्निंग कॉज होगी स्टूडेंट उसको, है ना, पेन फील होगा बहुत ज़्यादा. तो मतलब मैम, ये सारे काम उसके साथ होंगे अगर उसको एसिडिटी होगी. तो ऐसे तो बहुत टाइम तक नहीं चलने देना है. तो देखो, एसिडिटी क्यों होती है, एसिडिटी इसलिए होती है स्टूडेंट क्योंकि आपका एक्सेस एसिड हो चुका है. तो मतलब पीएच जो है आपका 1.4 से नीचे जा चुका है. तो मतलब कि मैम, अगर नीचे जा चुका है तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या देंगे, हम लोग कुछ बेस देंगे. क्या देंगे स्टूडेंट, हम इसको बेस देंगे. अगर हमने इसको बेस दे दिया तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी कम. बेस देती है, इसकी एसिडिटी हो जाएगी कम. तो बेस दे दो, चलो बेस देते हैं. तो बेस क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, क्या देते हैं हम लोग जब किसी को एसिडिटी होती है, एंटासिड्स देते हैं. क्या देते हैं, एंटासिड्स. एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटी एसिड्स. एंटी एसिड्स, एंटी मतलब अपोजिट, और एसिड जो एसिड के अपोजिट काम करेंगे, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे. तो वो होंगे आपके क्या, एंट एसिड्स. डन, यस मैम. तो स्टूडेंट एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक जो होती है स्टूडेंट्स हमारी, एंटीबायोटिक क्या करती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज को मारने में हेल्प करती है. तो ये तो हो नहीं सकती मैम, एंटीबायोटिक कहाँ से आ जाएगी. ओके, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक भी नहीं होंगे स्टूडेंट क्योंकि एनाल्जेसिक जो होते हैं वो आपके पेन रिलीवर होते हैं. जैसे कि किसी को सर्जरी होती है, तो जब उसके सर्जरी होती है स्टूडेंट, उस टाइम पर डॉक्टर एनाल्जेसिक देते हैं उसको, जिससे उसको पेन वगैरह फील ना हो. ये एक तरीके के बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एनाल्जेसिक होते हैं. डन, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट एंट एसिड. ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका एंट एसिड हो जाएगा. एंटीसेप्टिक, ना ना ना, एंटीसेप्टिक भी नहीं होता. एंटीसेप्टिक कब यूज़ होती है स्टूडेंट, मान लीजिए कोई कट हो जाए, वुंड हो जाए, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो सकता है, है ना, या फिर कोई और इन्फेक्शन हो सकता है. तो वहां पे हम लोग एंटीसेप्टिक देते हैं जिससे वो इन्फेक्शन ना क्योर, वो कॉज हो. समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम. तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, एंटी एंट एसिड्स हो जाएगा. एंट एसिड्स का मतलब होता है एंटी एसिड्स. डन, यस मैम. नेक्स्ट ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. ये बोल रहे हैं 10 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ अ गिवन सोल्यूशन. ये बोल रहे हैं कि 10 ml का एन ए क्या था आपका, एन ए ओ एच का सोल्यूशन था. हम ये देखने के उसने 8 ml HCl को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया. ये बोल रहे हैं कि 10 ml है आपके पास ऑफ एन ए ओ एच सोल्यूशन, उसने क्या कर दिया स्टूडेंट, उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया है 8 ml ऑफ HCl के सोल्यूशन को, ठीक है. तो इसका मतलब मैम, ये इसने न्यूट्रलाइज कर दिया. अभी बोल रहे हैं इफ यू टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हम 20 ml लेते हैं इस बार NaOH का सोल्यूशन, कितना ले रहे हैं इस बार, ये इस बार ही ले रहे हैं 20 ml ऑफ NaOH का सोल्यूशन. तो ये बोल रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ HCl को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है, सेम सोल्यूशन जैसा पहले था. तो स्टूडेंट अगर 20 ml NaOH ले रहे हैं, तो पहले अगर सेम ही सोल्यूशन ये बोल रहे हैं, तो पिछली बार अगर 8 था, तो इस बार कितना लेंगे ये लोग, 16 ml लेंगे. भाई सिंपल सी बात है ना, खुद सोचो, अगर 10 ml सोल्यूशन 8 ml सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने में लग रहा है, और ये फिर बोल रहे हैं कि आपने इस बार NaOH को 20 ml लिया है, तो 20 ml का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं सेम सोल्यूशन है. देखिए बोल रहे हैं ना कि द सेम सोल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, कि कितना सोल्यूशन होगा, तो मतलब कि मैम कितना होगा, 16 ml. कितना, 16 ml. तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, 16 ml HCl को 20 ml ऑफ NaOH
न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया वाला पॉइंट? देखो आप पता है क्वेश्चन में कहाँ से बच गए, आप इसलिए बच गए यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बात करी 10 ml, 10 and 1 इस तरीके से, तो ईजी होता है कन्वेंशन बाई कन्वेंशन लेना इन चीज़ों को, 100 या 1 को ईजी होता है लेना, इसलिए समझ गया वाला पॉइंट। यस मैम, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका ये हो जाएगा 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद मार्बल चिप्स। ओके, एक सोल्यूशन स्टूडेंट जो मार्बल चिप्स से रिएक्शन कर रहा है। मार्बल चिप्स क्या होते हैं? मार्बल्स जो होते हैं वो किसका बना हुआ होता है? वो बना होता है मैम आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। टू प्रोड्यूस अ गैस, ओके, ये गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लाइम वाटर को मिल्की करती है। मैम पता है मैं ये CO2 गैस है, क्या इतनी बार हम इसको क्वेश्चन को कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्या हमें पता चल चुका है कि जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दे वो कौन है? वो है मैम हमारी CO2 गैस। द सोल्यूशन कंटेन, उस सोल्यूशन में क्या हुआ? देखो सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं कि इसमें से किससे रिएक्शन हो रही है मार्बल के चिप्स की जो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, सिंपल एज दैट। तो Na2SO4 ना, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कहाँ से CO2 गैस को प्रोड्यूस करेगा? ये CO2 गैस को नहीं प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जब दो सॉल्ट आपस, देखो दोनों ही सॉल्ट्स हैं क्योंकि आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और जो एक इनसॉल्युबल PPT का फॉर्मेशन करेगी, तो मैम ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आते हैं कैल्शियम सल्फेट, ना मैम ये भी सॉल्ट है, ये भी एक इनसॉल्युबल PPT का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका क्या, H2SO4, मैम ये तो एक एसिड है, क्या ये करेगा? देख लेते हैं चलो। तो स्टूडेंट हम ये देखेंगे जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट CaSO4 और साथ में आपको मिल जाएगा क्या, वाटर और CO2 गैस। तो मैं मिल गई हमें CO2, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? आंसर हो जाएगा H2SO4। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? ये नहीं समझ में आया जल्दी से बताओ, आ गया ना समझ में? तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो और सब ना इसको छोड़कर और सब सॉल्ट्स हैं, तो जब भी दो सॉल्ट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो एक इनसॉल्युबल PPT अलॉन्ग विद वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो CO2 गैस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना वहाँ पे बनने का। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हम लोग करने वाले हैं? हम लोग H2SO4 का यूज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। समझ में आया? अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इस बात पर रेड हार्ट भी दे दो ना, किसने जल्दी से सेशन को लाइक तो कर ही देना। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट आएंगे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, इसमें से कौन सा है स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है? तो ऑर्गेनिक एसिड कौन होते हैं पहले तो तुम खुद देखो मैम, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं हमें ऑब्टेन होंगे। अब नेचुरली ऑब्टेन होने का मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि आपका जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड वो नेचुरली हमें लेमन से ऑब्टेन होता है। यस मैम, फिर स्टूडेंट आपको पता है कि जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है जिसको हम लोग मीथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ये आपको कहाँ से मिल जाता है स्टूडेंट? ये आपको मिलता है एंट्स से। कहाँ से मिलता है स्टूडेंट? आपको एंट्स से मिलता है। ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम है। तो मतलब मैम ये होते हैं आपके क्या, ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं। अब अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे स्टूडेंट, तो क्या मैंने इथेनॉइक एसिड आपका एक क्या होता है स्टूडेंट आपका, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, बचा क्या, कार्बोनिक एसिड। यही होगा आपका क्या स्टूडेंट्स, यही होगा आपका कौन सा एसिड जो ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब ये आपका मिनरल एसिड होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका जो कार्बोनिक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं H2CO3, ये आपका एक मिनरल एसिड होता है। बट यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि ये आपका वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है स्टूडेंट्स आपका? ये आपका वीक एसिड होता है। समझे वाला पॉइंट या नहीं समझे जल्दी से बताओ, समझ गए? अगर समझ गए हो तो इसी बात पर रेड हार्ट को कमेंट कर दो, सेशन को भी लाइक कर दो जल्दी से। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, तो आंसर विल बी डी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाई एसिड्स। एसिड्स कौन सी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते? मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी एसिड्स की, जैसे कि हम देखते हैं जो आपके एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। मैम ये एक प्रॉपर्टी होती है एसिड की। ये कैसे होते हैं? सावर होते हैं टेस्ट में, सावर इन टेस्ट। यस मैम, ये सावर होते हैं टेस्ट में, मतलब मैं बेस से अलग वाली बता रही हूँ। फिर स्टूडेंट आपको पता है कि ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हाँ यस मैम, फिर हम ये देखते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद मेटल, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। यस मैम, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये रिएक्ट करते हैं विद बेस, जब ये बेस से रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है मैम, सही बात है, इसी को तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यस मैम, फिर स्टूडेंट जब ये आपके रिएक्ट करते हैं मेटल के कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, तब ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट? तब ये फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट एंड वाटर का ही, सॉल्ट एंड वाटर।
फिर स्टूडेंट हमने देखा था कि आपके कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में, कोरोसिव इन नेचर। यस मैम, कितनों के, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और एक और वही होती है कि अगर ये किससे रिएक्शन करेंगे, मेटल के ऑक्साइड से, तब भी ये सॉल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, अब आप इन प्रॉपर्टीज को याद कर लो, याद तो आपको आई गई है सारी सारी, बस ऑप्शन ढूंढ लो। चलो, दे हैव सावर टेस्ट होता है मैम, अभी अभी पढ़ाया तो ये तो है नहीं, नॉट पूछा है ना इन्होंने, नॉट। नेक्स्ट, फील सोपी, फील सोपी, फील सोपी, क्या ये पढ़ाई है मैंने मैम, ये तो बेस की प्रॉपर्टी होती है, तो मतलब ऑप्शन तो यही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये लिटमस पेपर को टर्न करती है रेड, तो मैम ये तो प्रॉपर्टी होती है। फिर ये पीएच लेस देन 7 होता है इसका, ये भी प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स का पीएच 7 से कम होता है आपका, डन। यस मैम, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कम्फर्ट कॉज बाई इनडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाई टेकिंग। ये बोल रहे हैं जो हमें ओवर ईटिंग से इनडाइजेशन होता है, तो ओवर ईटिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब आप ओवर ईट करते हो, ओवर ईटिंग करने से होती है एसिडिटी, और एसिडिटी को आप कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो, अगर आप किसी बेस को लोगे, है ना, तभी आप कर सकते हो। देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, विनेगर, भाई विनेगर एसिड होता है, ये तो और आग लगा देगा, हाँ ये तो और भी ज्यादा आग लगा देगा। यस मैम, लेमन जूस एसिड होता है इसके अंदर, सिट्रिक एसिड, आग लगा देगा और भी ज्यादा। बेकिंग सोडा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं, और आपका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा, एंड नेक्स्ट कास्टिक सोडा, ये भी नहीं होगा। अब आप सोचो कि मैम बेकिंग सोडा कास्टिक सोडा तो दोनों ही बेस है नेचर में, ये है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 और ये है आपका NaOH, अब ये दोनों ही बेस है, फिर भी आपने बेकिंग सोडा को ही क्यों चूज किया, आपने कास्टिक सोडा को क्यों चूज नहीं किया स्टूडेंट। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि माइल्डली अल्कलाइन होता है, माइल्डली अल्कलाइन, माइल्डली अल्कलाइन का मतलब होता है, और ये आपका ना मतलब कि कैसा होता है, नॉन कोरोसिव होता है, नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव मतलब कि बहुत ही, ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको पी लिया तो ये आपके गले को जला देगा, कुछ कर देगा, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये थ्रॉट को जला देगा, क्या ये कोरोड कर देगा थ्रॉट को, कोरोड दी थ्रॉट, ये थ्रॉट को क्या कर देगा स्टूडेंट्स, ये थ्रॉट को आपके कोरोड कर देगा, मतलब कि जला देगा अगर आपने इसको ले लिया तो। इसका मतलब आपको क्या लेना है, आपको बेकिंग सोडा लेना है, कास्टिक सोडा नहीं लेना है, समझ गए वाला पॉइंट, ये नहीं समझे जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट लो अब इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे इस क्वेश्चन, क्योंकि दो बेस दे रखे थे इन लोगों ने। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, द इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिड सोल्यूशन आर, ओके, जो एसिड सोल्यूशन, ऐसे इंडिकेटर जब आप इसको ऐसे सोल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे तो उनको रेड कर देंगे, तो मतलब पूरा पूरा इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो गया। मैंने आपको कितने इंडिकेटर्स पढ़ाए, मैंने बहुत सारे एसिड्स के लिए जो पढ़ाए उनको देख लेते हैं। तो इंडिकेटर्स में स्टूडेंट मैंने आपको एसिड्स के लिए जो इंडिकेटर पढ़ाए हैं वो देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको लिटमस पढ़ाया था, तो लिटमस क्या करता है स्टूडेंट, लिटमस ब्लू, ब्लू को टर्न कर देता है रेड में, ब्लू को रेड में टर्न कर देते, तो मैम लिटमस ये काम करता है। फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा था, और कोई था आपका, नहीं लिटमस था आपका, टर्मरिक भी नहीं कर पाता, टर्मरिक बेस का इंडिकेटर होता है, ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स में देखा था, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे मैम ये कैसा हो जाता है, ऑल्फैक्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो एज इट इज रहती है, अगर आप किसी बेस को डालोगे उसके अंदर, वो एसिड को डालोगे अगर आप उसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रिमेन सेम, तो एक तो ये इंडिकेटर था कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है वो जाता ही नहीं है, वनीला का बहुत ही प्रेजेंट स्मेल होता है, अनियन का काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, वो जाता ही नहीं है, डन। यस मैम, फिर स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था आपका क्या, कैबेज का, वो आपका एज इट इज रेड ही रहता है। फिर हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज का, ये क्या करता है स्टूडेंट, ये खुद होता है ऑरेंज कलर का, बट जब एसिड सॉल्यूशन के साथ ही वो होता है तो ये रेड में टर्न हो जाता है, किसमें, रेड में टर्न हो जाता है। फिनोथलीन आपको कलर ऐसी सोल्यूशन देता है, तो द थिंग इज जिसके मैम आंसर में मिल चुका है, क्योंकि इसने पूछा है कि जो रेड में टर्न कर दे, ऐसे इंडिकेटर जब आप उनको एसिड के साथ टेस्ट करोगे तो वो रेड कलर देंगे आपको, तो वो कौन होंगे स्टूडेंट आपके, एक तो है वो लिटमस जो रेड कलर देता है, एक है वो आपका मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज और लिटमस ही दो ऐसे हैं जिनका कलर रेड हो जाता है आफ्टर टेस्टिंग विद क्या, एसिड। टर्मरिक एंड लिटमस नहीं हो सकता क्योंकि टर्मरिक बेस को देता है रेड कलर, फिनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज नहीं, फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रखता है एसिड के साथ, कलरलेस ही रहता है वो लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, तो ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ पाके वाला पॉइंट, अगर समझ पाके तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को लाइक करना मत भूलना और इसका स्क्रीनशॉट लो, डन ले लिया, चलिए आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दैट, देखो
आपको जो अच्छे से पता है स्टूडेंट, जो आपका विनेगर है और जो आपका कर्ड है, वो दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स, वो दोनों ही आपके एसिड्स हैं. दोनों ही क्या है स्टूडेंट, वो आपके दोनों ही एसिड्स हैं. तो मैम इनमें क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई वही प्रॉपर्टीज़ इनमें कॉमन होंगी. तो हमें देखते हैं, हैव अ स्वीट टेस्ट बेटा. मैंने कोई आपको ऐसे कुछ ऐसे कोई मिठाई बताई जो एसिड की बनी हुई है? शायद नहीं. बताइए, नहीं बताइए, बताना ज़रा मुझे, है ना. हैव अ बिटर टेस्ट, नहीं ये भी नहीं बताया मैंने कि वो बिटर होते हैं टेस्ट में. आर टेस्टलेस, नहीं टेस्टलेस तो बिल्कुल नहीं होते, वो होते हैं खट्टे. हैं कैसे होते हैं वो? खट्टे होते हैं. हैव अ सावर टेस्ट, क्या होता है उनका स्टूडेंट, टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम. तो ऑप्शन विल बी डी. ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द इंडिकेटर विच प्रोड्यूसेस अ पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन. भाई इतना मैंने बोला है ना, कितना आता है क्वेश्चन अब तो तुम्हें रख चुका है. कौन है वो इंडिकेटर? फिनोफ्थलीन. आपको पता है स्टूडेंट, जो आपका फिनोफ्थलीन होता है, जब आप उसे किसी बेस में डालते हैं तो हम ये देखते हैं वो सॉल्यूशन हो जाता है पिंक कलर का, क्योंकि खुद फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है. तो आप फिनोफ्थीन ले लो, फिनोफ्थीन में कोई बेस डाल दो, जैसे आप उसमें बेस डालोगे तो इट विल टर्न पिंक. कैसा? वो पिंक में टर्न हो जाएगा. तो आप ऑप्शन विल बी सी. मिथाइल ऑरेंज क्यों नहीं हो सकता? देख लेते हैं सारे ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो इसको येलो में टर्न करता है, टर्मरिक रेड में टर्न करता है, लिटमस पेपर इसको ब्लू में टर्न करता है. तो ऑप्शन क्या बचा? फिनोफ्थीन, क्योंकि फिनोफ्थीन भी ही इसको पिंक में टर्न करता है. समझ पाइए चीज़? अगर समझ पाइए तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना. अरे स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना तुम लोगों ने. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन. ओके, इसमें से कौन सी है स्टूडेंट जो इंडाइजेशन के लिए मेडिसिन है? तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना भाई, तो गला जला के राख कर देगा. मैग्नीज हाइड्रोक्साइड ना. नेक्स्ट स्टूडेंट आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस. क्या? MgOH का होल ट्वाइस इज यूज एज अ एंटासिड. ये किसकी तरह यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? ये एंट एसिड की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये नॉन कोरोसिव होता है नेचर में. क्या ये नॉन कोरोसिव होता है आपका? क्या नेचर में? डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11. वास्प स्टिंग कंटेन, वास्प जो ततैन होती है उसके डंक में क्या होता है? तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मैंने आपको तीन चीज़ें पढ़ाई थी अगर आपको मेरा सेशन याद हो तो. एक तो एंट के बारे में पढ़ाया था, एक बीज के बारे में पढ़ाया था और एक वास्प के बारे में पढ़ाया था. और मैंने वहाँ पर ये चीज़ बोली थी, जो एंट और बीज है ना, इनका स्टिंग में ना एसिड होता है, कौन सा? मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड हम उसको बोल सकते हैं. और स्टूडेंट मैंने ये बोला था कि वास्प का जो स्टिंग होता है उसमें होता है बेस. क्या होता है स्टूडेंट? उसमें बेस होता है, मतलब कि एल्कलाइन होता है वास्प का स्टिंग. तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट? उसमें होगा आपका एक एल्कलाइन लिक्विड. समझ गए वाला पॉइंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्कलाइन लिक्विड हो जाएगा. इस पॉइंट को आपको याद रखना है. तो मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि कुछ लोग मधुमक्खी के काटने के बाद भी क्या करते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे नींबू रगड़ देते हैं. वो नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एसिड्स हैं. तो आप एसिड को एसिड से नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते, आप एसिड को एसिड से नहीं काटोगे, आप एसिड को बेस से काटोगे और बेस को एसिड से काटोगे. समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस मैम समझ रहे हैं. तो आप ऑप्शन क्या रहेगा, स्क्रीनशॉट लो आप इसका लो. तो अगर आप बेस की बात करो तो आप यहाँ पे कुछ भी एसिड लगा सकते हो, जैसे आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो. डन. और आप जब एंट और बीस के लिए कर रहे हो तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? चूने वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना. चलिए तो नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12. और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है. अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल. ओके, एक सॉल्यूशन है स्टूडेंट जिसने जिंक ग्रैन्यूल के साथ रिएक्शन करी है टू गिव अ गैस. उससे गैस प्रोड्यूस हुई है विच बर्न विद अ पॉप साउंड. पॉप साउंड मैम कौन है? वो है हाइड्रोजन गैस. द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में क्या था? तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम है स्टूडेंट, जिंक एक मेटल है. जिंक क्या है? जिंक आपका एक मेटल है. तो जिंक जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो कि तुम्हें ऑप्शन में कहां पे एसिड नजर आ रहा है. मैम ये तो बेस है, ये भी बेस है और ये आपका सॉल्ट है. तो ऑप्शन में HCl ही बचा, तो HCl ही होगा. और आपको पता है स्टूडेंट, जो आपका जिंक होता है जब वो HCl के साथ रिएक्शन करता है तब वो बनाता है जिंक ZnCl2 और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस. और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है स्टूडेंट, दिस प्रोड्यूस पॉप साउंड. ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है आफ्टर इन कॉन्टेक्ट विद अ फायर, फायर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद. तो हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट आपकी? हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है. समझ पाइए चीज? अगर ये चीज समझ पाइए तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो जल्दी से और लो इसका स्क्रीनशॉट. आगे बढ़े, चलिए बढ़ जाते हैं. तो ऑप्शन विल बी HCl. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, बी स्टिंग कंटेन. अभी अभी क्या पढ़ाया मैंने तुम लोगों को? खुद सोचो मैम, बी के स्टिंग में क्या होता है?
बी किस्टिंग में तो आपने मैम हमें ये चीज़ पढ़ाई है कि इसमें होता है एसिड. क्या होता है स्टूडेंट आपका? एसिड होता है, एंड एसिड लिक्विड. सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं होता, एल्कलाइन भी नहीं होता, और अल्कोहल भी नहीं होती. अच्छा, अल्कोहल होती तो क्या वो नशीला हो जाता आदमी? सोचो, इमेजिन करो कि अगर किसी बी के स्टिंग में अल्कोहल होती तो फिर तो जब वो स्टिंग मतलब करती तो फिर तो आदमी को नशा ही हो जाता. हाँ, जोक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग इज. ये बोल रहे हैं कौन सी है इसमें से. तो ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि बोर्ड में पूछा जा चुका है ना, इस पर काफी फोकस कर लिया था इन लोगों ने. तो ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सा है स्टूडेंट, जब वो मतलब जब वो काटती है तो वो एसिडिक, डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड. तो एसिडिक लिक्विड को कौन इंजेक्ट नहीं करता है जिसका स्टिंग एल्कलाइन होगा. एल्कलाइन स्टिंग किसका पढ़ा है मैंने तुम लोगों को? वास्प का. किसका? वास्प का. वास्प का जो स्टिंग होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है आपका? वो आपका होता है बेसिक. कैसा होता है? बेसिक होता है. हनी बी भाई, ये तो बी है, इसका कैसा होता है? एसिडिक होता है. एंट का एसिडिक होता है. नीटल लीफ का हेयर, मैंने आपको बताया था नीटल लीफ हेयर, उसका भी एसिडिक होता है स्टिंग. जब भी तो हम लोग डॉग प्लांट को यूज करते हैं जिसकी लीफ बेसिक होती है तो वो न्यूट्रलाइज कर देती है उसके इफेक्ट को. समझ पाए वाली चीज? यस मैम. नेक्स्ट आते हैं. अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस रेड इट्स पीएच टू बी. देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जरा पीएच को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. ये आपकी पीएच स्केल है, यहाँ पे 7, 0, ये 14, ये 1, 2. थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन. मैंने आपको एक चीज़ बोली थी स्टूडेंट कि जिनका पीएच 7 होता है वो कंपाउंड होते हैं आपके न्यूट्रल. यस मैम, जिनका पीएच 7 से कम होता है स्टूडेंट्स वो होते हैं आपके क्या? एसिडिक. क्या होते हैं वो आपके? वो आपके एसिडिक होते हैं. समझ पाई ये चीज आप लोगों को? यस मैम. और जो जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके बेसिक. क्या होते हैं वो? आपके बेसिक होते हैं. ये चीज़ मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने ये सेशंस मिस कर दिए, देखो मैं आपको एक चीज़ बतानी हूँ, अगर आपने ये सेशंस मिस कर दिए स्टूडेंट तो आप जाइए, आपको मेरी पूरी वो मिल जाएगी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट, एंड जाकर उसको विजिट करिए क्योंकि उनमें मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे हैं. समझे वाला पॉइंट? यस मैम. तो सोडियम जो है ये बोल रहे हैं ऐसा सोल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर रहा है. तो आप खुद सोचो जिसका पीएच 6 से 7 से कम होगा वही ये काम कर सकता है क्योंकि वो एसिड. और आपको पता है एसिड जो होते हैं आपके वो आपके ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, और जो आपके बेस होते हैं स्टूडेंट वो आपके रेड वाले को ब्लू में टर्न कर देते हैं, और न्यूट्रल वाले पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है ना. तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो लेस देन 7 होगा, मतलब के 5, ऑप्शन विल बी बी. ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा. डन. स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका. ले लिया. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 16. ये बोल रहे हैं सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. इस बार उस सॉल्यूशन ने रेड को ब्लू में टर्न कर दिया है. तो रेड को ब्लू में, अभी देखो अभी मैंने क्या चीज पढ़ाई थी तुम लोगों को. रुको, हाँ रुको. ओ अब देखो, अरे यार आंसर क्यों आ गया यहाँ पे. देखो अब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, इस बार रेड को ब्लू में टर्न कर रहा है. तो रेड को ब्लू में टर्न करेगा तो वो बेस होगा आपका. क्या होगा स्टूडेंट? वो आपका बेस होगा. हाँ, तो बेस है, बेस में मतलब कि वो 7 से ऊपर होनी चाहिए वैल्यू. ये तो 1, 4, 5 मैम, ये तो सारी 7 से कम है वैल्यू. तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका 10. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? ऑप्शन 10 हो जाएगा. समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम. ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, बदला हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. और ये देखते हैं, एक सोल्यूशन है स्टूडेंट जो फिनोफ्थ्रीन को इंडिकेटर पिंक. द मोस्ट लाइकली पीएच ऑफ द सोल्यूशन विल बी, मतलब फिनोफ्थ्रीन जो इंडिकेटर है वो सोल्यूशन, जब आपने फिनोफ्थ्रीन को उसमें ऐड किया तो वो सोल्यूशन पिंक हो गया. तो ये बोल रहे हैं कि वो सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा. ये चीज़ मैंने आपको 10 बार क्या पर जितनी बार मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें बताइए कि जो आपका फिनोफ्थलीन होता है वो आपका जो बेस होता है, वैसे फिनोफ्थलीन खुद कलरलेस होता है बट जब आप उसको बेस में ऐड करते हो तो वो आपको पिंक कलर दे देता है. क्या देता है स्टूडेंट? जब आप उसको ऐड करते हो तो वो आपको पिंक कलर दे देता है. तो वो जो पिंक कलर है वो क्यों है? क्योंकि मैम फिनोफ्थलीन ने बेस के साथ रिएक्शन करी तो वहां से आपको पिंक कलर ऑप्टेन होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा आपका, और आपको पता है बेसिस कौन होते हैं मैम? बेसिस वो होंगे जिनका पीएच क्या होगा? मोर देन 7 होगा.
मोर देन सेवन स्टूडेंट जिनका पीएच होता है वो होते हैं आपके क्या बेस, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके बेस होते हैं. तो मोर देन सेवन मतलब नाइन, क्योंकि मैम 6, 4, 7, 7 तो न्यूट्रल होता है, 6 और 4 दोनों एसिडिक हो जाएंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 9. डन, यस मैम. स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका. ले लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद, आप बी स्टिंग को कैसे ट्रीट कर सकते हो. देखो मैंने आपको अभी ये चीज बताई थी कि जो बी का स्टिंग होता है वो आपका एसिडिक होता है. तो अगर वो एसिडिक होता है तो आप उसको किससे ट्रीट कर सकते हो, आप उसको ट्रीट कर सकते हो किसी बेसिक सोल्यूशन से. तो आप देखो विनेगर तो एसिडिक है, और भी ज्यादा भड़क जाएगा वो. हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके ठीक है. पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेमन जूस, आप बताओ क्या हो सकता है इसके अंदर से. मैम लेमन जूस ये सब कुछ नहीं हो सकता. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. कैसा होता है स्टूडेंट आपका, बेसिक होता है नेचर में. क्या होता है आपका, बेसिक होता है नेचर में. पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं होगा, खुद सोचो. पोटासियम मेटल होता है और मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक, सोचो. यस मैम, सोच रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट्स इन अ सॉल्यूशन इज येलो. ये बोल रहे हैं जो आपका कलर है मिथाइल ऑरेंज का वो क्या सॉल्यूशन को येलो कर रहा है. द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, आपको ये चीज अच्छे से पता है. देखो जो आपका स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज होगा, आपका जो मिथाइल ऑरेंज होगा स्टूडेंट्स, हम वो क्या देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है. और ये ऑरेंज कलर का होने के, जब आप इसको किसके साथ ऐड करते हो, जब आप इसमें कोई एसिड डालते हो तो ये रेड हो जाता है, जब आप इसमें कोई बेस डालते हो तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा, उसको येलो टर्न कर देगा ये. तो मैम बेस का जो पीएच है वो कितना होगा, खुद सोचो. मैम बेस का पीएच होगा मोर देन 7, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, डी हो जाएगा. ये तीनों नहीं होगा कि 7 होता है न्यूट्रल, लेस देन 7 होता है एसिडिक. और भाई ये तो स्ट्रांग एसिड है, जीरो तो बहुत ही स्ट्रांग एसिड होगा, क्योंकि जितना पीएच कम होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी. समझ रहे हो वाला पॉइंट है, नहीं समझ रहे हो, जल्दी बताओ समझ रहे हो. यस मैम, इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट करो, सचिन को लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी, स्क्रीनशॉट लो. चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्प स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद, वास्प का जो स्टिंग होता है स्टूडेंट आप उसको किससे ट्रीट करोगे. तो वही चीज, वही बात आ गई ना वापस से, वास्प स्टिंग, स्टिंग. तो वास्प स्टिंग जो होगा वो आपका कैसा होता है मैम, वास्प का स्टिंग होता है बेसिक. तो आप क्या यूज करो, एसिड. एसिड देख लो इसमें से कौन है एसिड, तो मैम एक ही नजर आ रहा है हमें, विनेगर. ओके, और ये बचे हुए तीनों जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपके बेस हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा NaCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10 वाटर, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं ना हम लोग. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा क्या हम यूज करेंगे यहाँ पे, विनेगर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये हो गया आपका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज बीन फाउंड दैट रबिंग विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन ऑफ अ पर्सन गिव्स हिम अ रिलीफ. द पर्सन हैज बीन स्टंग बाय, ये बोल रहे हैं एक पर्सन है उसको जब आपने विनेगर से रब किया तो उसको ना बहुत रिलैक्स फील हो रहा है. तो उसको किसने काटा है इनमें से, ये कौन है वो महारानी. तो स्टूडेंट विनेगर से रब करो, विनेगर इज वॉट, विनेगर इज एसिड. तो एसिड से तो मतलब उसका जो स्टिंग है, मतलब जो उसका डंक है वो कैसा है, वो आपका बेसिक है. तो बेसिक को एसिड ने न्यूट्रलाइज किया है. तो मतलब मैम बेसिक स्टिंग किसका होता है, बेसिक डंक किसका होता है, वो होता है आपका किसका, वास्प का. किसका होता है स्टूडेंट, वास्प का होता है. इन तीनों का कैसा होता है, इन तीनों का तो मैम एसिडिक होता है स्टिंग. तो अगर इन तीनों का एसिडिक स्टिंग होता है तो मतलब कि यहाँ पर हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, इनका नहीं होगा. नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, और ये बोल रहे हैं फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि फ्रेश मिल्क का पीएच है 6. व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड द पीएच वैल्यू विल बी, अगर पीएच आपका 6 है, कितना है स्टूडेंट आपका, पीएच आपका 6 है. तो पीएच 6 होने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि मैम ये आपका स्लाइटली एसिडिक है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में आने वाला है. अब ये बोल रहे हैं कि वो मिल्क जो है वो आपका कर्ड में चेंज हो रहा है, क्या मिल्क आपका कर्ड में चेंज हो रहा है. तो मिल्क अगर आपका कर्ड में चेंज हो रहा है तो आपको पता है कर्ड में चेंज होने का मतलब है कि फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है आपका किसका, लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड. अब स्टूडेंट्स ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मेशन होना है लैक्टिक एसिड का, तो लैक्टिक एसिड एसिड है. तो मतलब मैम पीएच जो होगा वो तो लेस देन 6 ही जाना चाहिए, लेस देन 6. तो मतलब कि मैम आंसर क्या हो जाएगा, बिकम लेस देन 6. आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा. क्योंकि आपको पता है बिकम 7 तो नहीं हो सकता, बिकम 7 का मतलब हो जाएगा न्यूट्रल. क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब हो जाएगा मैम न्यूट्रल.
तो ये तो हो नहीं सकता, डन, यस मैम। फिर बिकम लेस देन सिक्स, लेस देन सिक्स भी, लेस देन सिक्स तो हो गई, मोर देन सेवन नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक हो जाएगा, बट आपको तो कर्ड बनानी है एंड कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, रिमेन अनचेंज ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप कर्ड बना रहे हैं, ईजी। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन अवर स्टमक, ठीक है, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है मैम? एच सी एल, हाँ एच सी एल, और एच सी एल का पी एच कितना हो जाता है? अराउंड 1.5, 1.5 या 1.4 इसका पीएच रहता है स्टूडेंट। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि ये जर्म्स को किल करता है, किल द जर्म्स, किसको किल करता है स्टूडेंट्स? ये जर्म्स को किल कर देता है। अगर ये जर्म्स को किल करता है, फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि एक प्रोटीन को, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को भी एक्टिव करता है। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आपने मेरे से लाइव प्रोसेस पढ़ रखा है तो आपको बहुत डिटेल में उसका आंसर भी आता होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि कौन सा मिलता है स्टूडेंट आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा, सिट्रिक एसिड भी नहीं मिलता, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं मिलता, कौन सा मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही मिलता है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, ये बोल रहे हैं, चलो ध्यान से पढ़ो, अ डेफोडिल प्लांट ग्रो बेस्ट इन अ सॉइल, ओके, एक डेफोडिल प्लांट होता है स्टूडेंट, वो सॉइल में ग्रो कर रहा है, उसका पीएच रेंज है 6 to 6.5, ठीक है, उसका पीएच कितना है स्टूडेंट्स? उसका पीएच है 6 से लेके 6.5 तक का, डन। इफ द सॉइल इन अ गार्डन हैज़ अ पीएच ऑफ 4.5, अब ये बोल रहे हैं कि जो पीएच है सॉइल का वो हो चुका है 4.5, ठीक है, सो विच सब्सटेंस नीड टू बी एडेड टू द सॉइल इन ऑर्डर टू ग्रो डैफोडिल, ये उसका सबसे ग्रेट पीएच है, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका कि ये बेस्ट पीएच है डैफोडिल के लिए। अब उसका पीएच इतना जा चुका है तो आपको वापस से उसको 6 पर लेकर आना है, तो आप क्या ऐड करोगे? अब आप खुद सोचो, आप यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो मैम? वो एसिडिक हो रहा है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पीएच आपका गिर रहा है, पहले 6 था, 6 to 6.5 था, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक था, बहुत स्लाइटली, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा था, अब ये बोल रहे हैं कि 4.5 हो चुका है तो पीएच तो गिर गया ना, पीएच को बढ़ाओगे कैसे? खुद सोचो मैम, पीएच को हम बढ़ा सकते हैं, आपने हमें ये बताया था कि अगर आपको पीएच बढ़ाना है सॉइल का, मान लो एसिडिक है और आपको पीएच बढ़ाना है, तो आप कोई भी बेस ऐड कर दो, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट सॉल्ट, ना सॉल्ट आप नहीं ऐड कर सकते, लाइम आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट आप? लाइम, ठीक है, लाइम क्या होता है स्टूडेंट आपका? लाइम होता है आपका बेसिक इन नेचर, कैसा होता है वो? आपका बेसिक होता है नेचर के अंदर, सैंड भी ना, कंपोस्ट भी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइम, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? डन, लाइम इज वॉट? कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ले लिया ना आपने। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है। अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टलाइज, वॉशिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट आपका? वॉशिंग सोडा होता है आपका, ये होता है स्टूडेंट आपका Na2CO3.10 वाटर, ये बताया था मैंने। 10 वाटर का मतलब क्या है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं मैम हमारे, क्या कि मतलब इस फॉर्मूले के अंदर आपको 10 मतलब इसके क्रिस्टल्स के अंदर आपको 10 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वाटर के, तो आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका? आंसर हो जाएगा आपका 10, डन। चलें आगे बढ़ जाएं, यस मैम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 26, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है। सॉल्ट विच विल गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इज, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलेगा क्योंकि आपका पूरा सॉल्ट रिवाइज होगा। देखो ये बोल रहे हैं कौन सा सॉल्ट है जो एसिडिक सॉल्यूशन देगा जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे। मैंने आपको पीएच ऑफ सॉल्ट पढ़ाया था, याद है पीएच ऑफ सॉल्ट? एक बार थोड़ा सा रिवीजन देना चाहती हूँ कि पीएच ऑफ सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल नहीं होते, ऐसा मैंने क्यों बोला था कि सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल नहीं होते? ऐसा स्टूडेंट्स मैंने इसलिए बोला था कि सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल नहीं होते हैं क्योंकि दे आर द सॉल्ट्स जो एसिडिक भी होते हैं, जो बेसिक भी होते हैं। मैंने आपको बोला था कि पीएच ऑफ सॉल्ट में आपके तीन तरीके, मतलब आपको तीन तरीके के सॉल्ट मिलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और आपका बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसमें से क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्या? जब आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब वो क्या होगा स्टूडेंट? तब वो होगा आपका सॉल्ट न्यूट्रल। क्या होगा स्टूडेंट? आपका सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। फिर स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है? न्यूट्रल क्यों होता है? न्यूट्रल का इसलिए मतलब होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। ये एच पॉजिटिव में आयोनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली और ये OH नेगेटिव में आयोनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली और साथ में जो इनके आयन्स और होते हैं, तो इसका मतलब मैम हम देखेंगे जब ये कंप्लीटली आयोनाइज होंगे तो एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। क्या होगी? वो बिल्कुल इक्वल होगी, जिसकी वजह से हम क्या यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपको मिलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स? आपको न्यूट्रल सॉल्ट्स मिलेंगे।
फिर अगर हम लोग एसिडिक की बात करेंगे स्टूडेंट, तो एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस, अभी तो वही बताया, वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ स्टूडेंट रिएक्शन करता है, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट? हम यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ये आपका कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, बट द थिंग इज जिसके आपका वीक बेस पार्शली आयोनाइज होगा, पार्शली आयोनाइज होगा, तो पार्शली आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि मैम पूरी तरीके से OH नेगेटिव में डिसोसिएट नहीं होगा? करेक्ट, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव, क्या यहाँ पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और OH की कम होगी, समझे वाला पॉइंट? यस मैम, इसीलिए ये सॉल्ट आपके एसिडिक होते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट आपके बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या होंगे? जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपका वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स? वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका आयोनाइज हो जाएगा, और ये जो होगा स्टूडेंट ये आपका कैसा आयोनाइज होगा? ये आपका पार्शली आयोनाइज होगा, पार्शली आयोनाइज हो जाएगा ये। तो ये मतलब मैम जब ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो हमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी उस सोल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। समझ पाए? समझ पाए आपको ये? अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए, जल्दी से सेशन को भी आप लाइक कर दीजिए। तो इसका मतलब मैम अब आपको समझ में आ गया कि कोई सॉल्ट किसी मतलब पानी में घुलने के बाद एसिडिक सोल्यूशन क्यों देगा, बेसिक क्यों देगा, न्यूट्रल क्यों देगा। तो मतलब अब हम इजीली पता कर सकते हैं कि सॉल्ट जो है जो आपको एसिडिक सोल्यूशन देगा ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, तो मतलब मैम जो एसिडिक सोल्यूशन दे रहा है वो कैसे बना हुआ है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। अब आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे KCl। K क्या होता है स्टूडेंट आपका? मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्ट का पहला पार्ट, सॉल्ट के नाम का पहला पार्ट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं KCl, तो KCl होता है आपका पोटासियम क्लोराइड, तो ये आपका पोटासियम है, मतलब कि ये आपका KOH, बेस क्या होगा? KOH। मैंने आपको बताया था ना पहला पार्ट आपका बेस को बताता है और लास्ट पार्ट जो है आपका सेकेंड पार्ट वो आपके एसिड को बताता है, तो Cl क्लोराइड, क्लोराइड किसके सॉल्ट होते हैं मैम? ये होते हैं हमारे किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, तो ये हो जाएगा आपका क्या? HCl। तो आप एक बात बताओ, आपको पता है कि आपका एसिडिक सोल्यूशन दे रहा है, सॉल्ट विच गिवन एसिडिक सोल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, तो हम वो कैसे बनते हैं स्टूडेंट आपका वो? बट यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट NH4Cl, लेट्स सी NH4, NH4 इज व्हाट? NH4OH एंड Cl इज फॉर HCl। देखो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, बट ये आपका वीक बेस है NH4OH, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन से मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बनते हैं वही सॉल्ट्स एसिडिक होते हैं, तो मतलब मैम ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका NH4OH। नेक्स्ट वाला भी नहीं हो सकता आपका, देख लो जाएगा आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ये Na है, Na का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ पे देखूंगी इसको Na2CO3, तो Na इज रिप्रेजेंट, ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? NaOH। NaOH इज वॉट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट तो न्यूट्रल, वो एसिडिक नहीं होता ना, वो तो बेसिक होता है, तो मैम ये भी ऑप्शन से बाहर है। और नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आपका वीक एसिड होता है, लिस्ट से बाहर निकालो उसको, बाहर रिजेक्ट कर दो। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका CH3CONa, भाई CH3CO ये क्या है? ये स्टूडेंट बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिडिक एसिड से, तो मैम एसिडिक एसिड तो वीक एसिड होता है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। डन, आगे बढ़ जाए। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज करा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? बी हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब मे बी एक दो क्वेश्चन इसी बेसिस पर रहेंगे। द सॉल्ट विच गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब कि मैम ये जो सॉल्ट है ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हैं ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, तो ये बोले CH3CONa, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स नहीं मैम, क्योंकि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये आपका वीक एसिड होता है, तो ये तो लिस्ट से बाहर हो गया। NH4Cl अभी पीछे पीछे पड़ा है, यहाँ पे ये Cl क्या है? क्लोराइड, विच इज HCl, HCl का सॉल्ट है ये आपका, एंड ये आपका वीक बेस है, तो ये भी नहीं हो सकता। KCl, KCl क्लोराइड, हाँ मैम ये होगा, क्योंकि KCl जो होगा KOH और HCl से मिलकर बना हुआ है, KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये आपका वीक, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग
बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर जो आपके सॉल्ट्स बनते हैं स्टूडेंट, वो आपको जब आप उनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो आपको न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं. तो ऑप्शन विल बी सी. ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा. एन ए टू सी ओ थ्री भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका एन ए. एन ए इज वॉट? एन ए ओ एच. तो एन ए ओ एच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है. एंड सी ओ थ्री कार्बोनेट्स किसके वो होते हैं सॉल्ट्स स्टूडेंट? ये होते हैं आपके कार्बोनिक एसिड के. एच टू सी ओ थ्री विच इज अ वीक एसिड. ईजी आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका. वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विद गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर. कौन से सॉल्ट स्टूडेंट जो आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन देंगे? तो अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा मैम आपका? ये सॉल्ट जो होंगे ये बने हुए होंगे आपके स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से. जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनेंगे स्टूडेंट वो सॉल्यूशंस आपके क्या कहलाएंगे? मतलब उनके जो सॉल्ट जब आप पानी में डिजॉल्व करोगे तो वो सॉल्यूशन आपके अल्कलाइन सॉल्यूशन होंगे. जैसे कि Na2CO3. ठीक है चलिए देख लेते हैं. तो Na का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? NaOH. और एसिड है यहाँ पे कार्बोनिक एसिड. क्या हमें आंसर मिल चुका है? मैम आंसर तो मैं पहले वाले में मिल गया. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ऑप्शन हो जाएगा ए. नेक्स्ट आता है Na2SO4. नहीं, क्योंकि Na जो है स्टूडेंट आपका वो है आपका NaOH और SO4 है आपका स्टूडेंट H2SO4. दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. नेक्स्ट NaCl भी नहीं होगा. NaCl आपका न्यूट्रल होता है क्योंकि आपके NaOH और HCl से मिलकर बना हुआ है. तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. ये भी नहीं होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि NH4SO4 है. NH4 मतलब के NH4OH और SO4 मतलब के सल्फेट्स है ना. ये सल्फेट, सल्फेट किसका सॉल्ट होता है? सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड का. तो ये तो मैम आपका वीक एसिड हो गया ना, और वो आपका वीक वो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और वो वीक बेस हो गया. बट हमें तो अल्कलाइन सॉल्यूशन मिल रहा है तो मतलब मैम स्ट्रॉन्ग था बेस. तो पहला ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ए हो जाएगा. डन. चलिए आगे बढ़ जाएं. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट बताइए जल्दी से. मैम क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है जब हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्लोर अल्कली होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्लोर अल्कली बोल रहे हैं. बोलते हैं प्रोडक्ट क्या मिलता है. देखो मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, टेक अ बीकर एंड उस बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगाइए. हाँ यस मैम, दो इलेक्ट्रोड हम लोग लगाएंगे यहाँ पे. ओहो हम लोग यहाँ पे ऐसे बीकर भी लगा लेंगे, वो इलेक्ट्रोड सॉरी बीकर बोल रहे हैं. आप इनको ऐसे बैटरी वगैरह के थ्रू जोड़ देना है ना, ऐसे कुछ करके. अब यहाँ पे आप क्या देखोगे स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पे ब्राइन डालोगे, ब्राइन क्या होता है मैम? ब्राइन होता है NaCl और साथ में वाटर. NaCl और वाटर. और आप यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, एक रिएक्शन होती है NaCl और वाटर में. जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो स्टूडेंट, तो यहाँ से हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपको मिलता है NaOH, साथ में आपको मिलता है स्टूडेंट क्या? हाइड्रोजन गैस. और साथ में आपको मिलती है क्लोरीन गैस. क्या मिलती है साथ में आपको? क्लोरीन गैस मिल जाती है. तो इसका मतलब मैम हमारा आंसर में हमें मिल चुका ही है. यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट जो आपकी कैथोड होती है और एक होती है आपकी एनोड. एनोड जो होती है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, जिसमें हमें क्लोरीन मिलता है, क्लोरीन गैस. और इसमें हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है. क्या हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलती है और इसी के अराउंड सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? NaOH मिल जाता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा NaCl थोड़ी मिलता है, NaOH मिलता है. ये मिलता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, NaOH मिलता है. क्योंकि आपको पता है ये किसका फॉर्मेशन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. हम ऐसे कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन कराते हैं. समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम. स्क्रीन शॉट ले लीजिए. आगे बढ़ जाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे? यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है. चलिए तो ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30. और ये बोल रहे हैं द सॉल्ट हूज एक्वा सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ओके कौन सा सॉल्ट है स्टूडेंट? देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो आप सोचोगे मैम सॉल्ट भी लिटमस पेपर को, ध्यान से देखो सॉल्ट को जब पानी में डालोगे तो एसिडिक सॉल्ट भी तो हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी तो हो सकता है. ये बोल रहे हैं जब आप उस सॉल्ट को एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में मिला रहे हो तो वो आपका ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, ब्लू को रेड. तो ब्लू को रेड कौन करते हैं? एसिड्स. तो मतलब मैम वो सॉल्ट कौन होगा आपका? एसिडिक सॉल्ट होगा. क्या होगा वो आपका? वो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा. डन. यस मैम, वो एसिडिक सॉल्ट होगा. तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं आप खुद सोचो. पूरी अपनी याददाश्त लिया वापस कि मैम क्या क्या पढ़ाया था मैम ने, सब याद आ जाना चाहिए. मैम ने बताया था कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जब वो वीक बेस से रिएक्शन करते हैं
जब वो किससे रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, जब वो वीक बेस से रिएक्शन करते हैं तब आपका फॉर्मेशन होता है एसिडिक सॉल्ट्स का। तो अब निकाल लो ना इसमें से पता, तुम्हें तो आता है ना नाम से निकालना। यस मैम, तो देख लो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो लास्ट वाले नाम देखो तुम्हें खुद स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाएगा। ठीक है, सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि सल्फेट सॉल्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। बट अभी रुको जरा, क्या पता आगे वाला चेंज हो जाए। एसिटेट नहीं, एसिटेट तो गायब हो जाएगा क्योंकि एसिटिक एसिड होता है, तो एसिटेट तो एसिटिक एसिड का सॉल्ट होता है विच इज अ वीक एसिड। क्लोराइड, मैम क्लोराइड किसका सॉल्ट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये हो सकता है। एंड कार्बोनेट, कार्बोनेट भी नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोनेट सॉल्ट होता है कार्बोनिक एसिड का, तो ये भी पिक्चर से बाहर है। बचे दो। अब चलो मैम स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिल गया, वीक बेस ढूंढ लो इसमें से। चलो अमोनियम, अमोनियम मैंने आपको क्या बताया था, वीक आपका जो आगे वाला नाम है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अमोनियम है मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा ये आपका, और ये है आपका सोडियम। तो सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो मतलब मैम आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट। जब अमोनियम सल्फेट को स्टूडेंट पानी में घोलोगे तो आपको एक एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा। ईजी, ईजी है या नहीं है जल्दी से बताओ। ईजी है, अगर ईजी है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये बोल रहे हैं आप इसमें से किसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरीन को आप किस में से पास कराएंगे कि आपको ब्लीचिंग पाउडर मिले। आपको सिंपल सी एक चीज़ मैंने बताई थी स्टूडेंट, वो ये थी कि आपका जो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है वो होता है आपका CaOCl2। तो जब आप स्लेक्ड लाइम में से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं स्टूडेंट, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको मिलता है CaOCl2, और साथ में मिलता है आपका क्या? वाटर। एंड दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज वॉट, दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन विल बी CaOH का होल्ड वाइस। ये चीज़ मैंने आपको 10 बार बताई है कि जब आप स्लेक लाइम में से क्लोरीन गैस को पास करेंगे तब आपको किस चीज़ का वो मिलता है स्टूडेंट, आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन मिल जाता है। डन? यस मैम। चलिए आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। प्लास्टर ऑफ पैरिस इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द टेम्परेचर 100 डिग्री। दिस इज ओके, ये बोल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर इन्होंने ये बोला ना तो रिएक्शन ही डाल लो उसकी। चलो प्लास्टर ऑफ पैरिस क्या होता है स्टूडेंट आपका? प्लास्टर ऑफ पैरिस होता है आपका, आपको पता है जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तभी आपको प्लास्टर ऑफ पैरिस मिलता है। तो CS4.2 वाटर होता है आपका जिप्सम, विच इज हार्ड मास। जब आप इसको स्टूडेंट हीट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, और आपको 100 डिग्री सेल्सियस क्यों लेना होता है ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? डेड बर्न प्लास्टर मिलेगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। क्या करना होता है स्टूडेंट्स? आपको मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका ये CSO4.5 वाटर, और साथ में आपको मिलता है ये। तो मैम ये जो आपको मिला है ना कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, दिस इज योर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यही है आपका क्या? यही है आपका प्लास्टर ऑफ पैरिस। प्लास्टर ऑफ पैरिस क्या है स्टूडेंट आपका? यही है। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को? यस मैम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? CaSO4.2 वाटर, दिस इज द ऑप्शन, और सारे ऑप्शंस तो गलत है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये CaSO4 हो जाएगा, डॉट टू वाटर इज द जिप्सम। जिप्सम को आप जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट मतलब क्या करते हैं हीट करते हैं तब आपको क्या ऑप्टेन होता है? तब आपको ऑप्टेन होता है प्लास्टर ऑफ पैरिस। ईजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32। अ सॉल्ट हूज एक्वा सॉल्यूशन विल हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7 विल बी। ये बोल रहे हैं कौन सा सॉल्ट होगा स्टूडेंट जिसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा, पीएच मोर देन 7। अब तुम खुद सोचो पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन आपका कैसा है? बेसिक है। हाँ, सोल्यूशन आपका बेसिक ही है। यस मैम। तो अब ये बोल रहे हैं स्टूडेंट कि कौन सा सॉल्ट होगा ऐसा। तो अब देखो एक सिंपल सी बात है, बेसिक ही होगा वो सॉल्ट आपका। और बेसिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं आपके? बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन आपके बनते हैं मैम स्ट्रॉन्ग बेस आपका किससे रिएक्शन कर जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस आपका वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है। किससे रिएक्शन कर जाता है? वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस ने वीक एसिड के साथ रिएक्शन करी है। तो आप देख लो ना यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढ लो तुम लोग। चलो देखते हैं CO3। चलो पहले लास्ट वाला नाम देख लेते हैं एसिड्स, क्योंकि अगर आपको वीक एसिड चाहिए ना CO3 मैम वीक एसिड होता है। ठीक है, वीक एसिड तो होता है मान लेते हैं क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड है। SO4 नहीं हो सकता क्योंकि SO4 जो है सल्फेट ही किसका सॉल्ट है? सल्फ्यूरिक एसिड का। Cl नहीं, क्लोराइड आपका किसका सॉल्ट है? HCl का। नेक्स्ट Cl नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब ये बोल रहे हैं आपसे क्या
वीक एसिड ए की तो बचा ऑप्शन में, तो ऑप्शन विल बी ए. ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ए हो जाएगा. डन, आगे बढ़ जाऊँ. ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मेजर्ड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 7 द सॉल्ट इज मोस्टली लाइक टू बी ओके. भाई ये बोल रहे हैं कि आपका एक सॉल्ट है जो पानी के अंदर आपने डिजॉल्व किया था. किसमें डिजॉल्व किया था स्टूडेंट्स, आपने वाटर के अंदर डिजॉल्व किया था. एंड ये बोल रहे हैं कि उसका जो पीएच है ना उस सॉल्ट का, उस सॉल्ट सॉल्यूशन का यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से मेजर किया. यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या होता है मैम, जो कलर चेंज करता है जब पीएच चेंज होता है डिफरेंट सॉल्यूशंस में, तो वो लेस देन 7 है. लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 का मतलब क्या है, वो एसिडिक है. तो मतलब मैम वो सॉल्ट पानी में जाने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन आपको दे रहा है. और एसिडिक सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं जल्दी बताइएगा आप मुझे. एसिडिक सॉल्यूशंस आपके बनते हैं स्टूडेंट जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, जब वो आपका वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है तब आपके बनते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं. तो अब आप देख लो यहाँ पे, आप पहले ढूंढ लो एसिड. तो मैम ये भी नहीं हो सकता क्योंकि CH3COH आपका एक वीक एसिड होता है, तो ये तो पिक्चर से बाहर है. CO3 वीक एसिड पिक्चर से बाहर, Cl यही होगा. तो आप आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, KCl हो जाएगा. क्योंकि KCl आपका ऑप्शन क्यों नहीं, KCl भी नहीं होगा. KCl ऑप्शन में क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट आपका, आपका KCl ऑप्शन में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है. नहीं चाहता NH4C नहीं होता, ये Cl होगा. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी. डी क्यों हो जाएगा इसका ऑप्शन स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे एल गायब हो गया भाई, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी. तो Cl, तो क्लोराइड जो हो जाएगा आपका वो किसका सॉल्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. और NH4 इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस. तो ऑप्शन विल बी डी. ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, डी हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, के विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग अ पीएच ऑलमोस्ट 7. ऑलमोस्ट 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल पीएच. न्यूट्रल पीएच का मतलब जल्दी सोचो मैम, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा हो जाएगा, जो भी न्यूट्रल होगा, मतलब जो वी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होगा. क्या ऑप्शन तुम्हें ये नजर आ रहा है, खुद सोचो. क्योंकि मैम ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्या आपका HCl से मिलकर बना हुआ है. नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका NH4 NO3 नहीं, नाइट्रेट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है बट NH4 आपका वीक बेस है. क्लोराइड बट ये आपका वीक बेस हो जाएगा, ये आपका बट ये आपका वीक बेस हो जाएगा. तो ऑप्शन विल बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी. और इसी के साथ स्टूडेंट आपके हो रहे हैं यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म. आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आएगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आई होगी. अगर आई है तो जल्दी से रेड हार्ट को कमेंट करिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलेगा. स्टूडेंट्स वापस एक और चीज़ बताऊंगी, मैग्नेट ब्रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है. अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं. और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस. स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं. अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे assertion and reason based question. जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर. थैंक यू सो मच.